वैसे अलीज़े, तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया है। क्या जरूरत थी समीर को घर पे रखने की? अशर भाई तो फरीन आप ही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहां ये समीर? क्या कर रही हो लीजे? चाय बना रही हो? प्लीज मेरे लिए भी एक कप बना देना। कॉफी बना रही हूँ अपने लिए। इस टाइम पर कॉफी कौन पीता है? खैर, मेरे लिए चाय बना देना। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? आपने जब सजल भाभी को मैसेज नहीं किया था तो फिर भाई से झूठ क्यों कहा? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने झूठ बोला है? जब अम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, तुम उस वक्त ऑफिस में मसरूफ थी, सिर्फ मैं अम्मी के पास थी, और जो हालत मैंने अम्मी की देखी है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैं कॉल करती रही, अशर को मैं कॉल करती रही, किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मुझे मजबूरन उस सज्जल को मैसेज करना पड़ा, और उसने वही किया जो भाभियां करती हैं अक्सर, नहीं बताया भाई को। क्या आपने वाकई सज्जल भाभी को मैसेज किया था? वैसे अलीज़े, तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हो? तुम अपने शक का दायरा घुमाकर देखो ना, तो तुम्हें और भी लोग नजर आएंगे जो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तुम्हारी अपनी भाभी है, जिसको तुम बहुत नेक और फरिश्ता समझती हो ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज के वाक्य के बाद तो तुम्हें ये बात साबित हो ही जानी चाहिए। अलीज़े, वो बहुत चालाक औरत है। वो जैसे बाहर से मासूम दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो रुक जाती ना तुम्हारे पास और अम्मी के पास। क्यों नहीं रुकी वो? कि मैं तो बस अपनी सगी बहन ही गलत नजर आती है। खैर, मेरे लिए चाय बना देना, और समीर के लिए भी एक कप बना देना, मैं ऊपर जा रही हूं।